ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल बताता है आउटपुट या सेल का, वो लेवल बताता है कि हम कितना आउटपुट का प्रोडक्शन करें या कितना हम सेल करें जिस पे हमारी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होए। ब्रेक इवन पॉइंट को नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि लिए यहाँ पे हमारी नेट इनकम ज़ीरो होती है, क्योंकि लिए हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। इस पॉइंट पे फर्म को ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना कि उसको कोई लॉस होता है। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं? देखिए, बिज़नेस करना बहुत ही रिस्की है, उसमें बहुत सारे रिस्क हैं जो कि बिजनेसमैन को बियर करना पड़ता है। तो ये जो है ब्रेक इवन एनालाइज नेसेसरी है, क्योंकि ये आपको एक जानकारी देता है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट किस पॉइंट के बाद आप वापस आपको अपना इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। मीन्स आपने सपोज पैसा लगाया तो आप कितनी सेल करोगे कि आपको आपका इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाए। वो उस सेल तक तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस है, बस आपको इन्वेस्टमेंट वापस मिला है। उस सेल के बाद भी अगर आप कंटिन्यू सेल करते हैं तो आप प्रॉफिट अर्न करेंगे। इज दैट क्लियर? तो इसकी हेल्प से, मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट एनालाइज की हेल्प से, बिजनेसमैन को क्या पता चला? उसको एक लेवल पता चला कि मुझे इतने यूनिट्स का सेल करूँगा तो इस पॉइंट पे मुझे अपना इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगा। अगर उसके बाद भी मैं अपना कंटिन्यू रखता हूँ सेल तो मुझे प्रॉफिट अर्न होगा। इज दैट क्लियर? तो वो ये बहुत ही बिजनेस सभी बिजनेस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ब्रेक इवन एनालाइज। दैट्स व्हाई वी स्टडी इट। हम ब्रेक इवन एनालाइज का ग्राफ समझते हैं कि ब्रेक इवन एनालाइज का ग्राफ कैसे बनता है। देखिए, इन OX एक्सिस प्रोडक्शन और या सेल और सेल इज शोन, ठीक है, और इन OY एक्सिस कॉस्ट एंड रेवेन्यू इज शोन। इज दैट क्लियर? मीन OX एक्सिस पे हम प्रोडक्शन और सेल दिखाते हैं, इन OY एक्सिस पे कॉस्ट एंड रेवेन्यू दिखा रहे हैं। मीन्स सेल मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स हम कितने सेल कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब जैसे ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो रिमेन फिक्स्ड होती है चाहे हम कितना भी प्रोडक्शन करें। इवन जीरो लेवल पे भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रहती है, चाहे हम 1000 यूनिट प्रोड्यूस करें या ज़ीरो लेवल प्रोडक्शन करें, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड होती है। तो ये हमारी क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। और इस ये जो हमारी है ये कौन सी कॉस्ट है? दैट इज़ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्यों? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का एडिशन क्या होता है? टोटल कॉस्ट होता है। इज दैट क्लियर? अब आता है TR। TR मतलब रेवेन्यू, सेल करने के बाद जो हमें रेवेन्यू हाथ में आता है दैट वो होता है रेवेन्यू। जो पैसा हाथ में आता है वो होता है रेवेन्यू। देखिए, जैसे जैसे हम रेवेन्यू मतलब जैसे जैसे यूनिट्स का हम सेल बढ़ती है, हमारा रेवेन्यू भी क्या हो जाता है? ऐसे बढ़ रहा है। दैट इज TR, टोटल रेवेन्यू। अब देखिए, इस पॉइंट पे आके हमारी टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है?
ई पॉइंट, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट. ये पॉइंट हमारा क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट. क्यों? क्योंकि हमें इस पॉइंट पे ना कि कोई प्रॉफिट होता है ना कि कोई लॉस होता है. क्यों? क्योंकि लिए यहाँ पे टी आर बराबर टी सी. इज दैट क्लियर? टी आर किसके बराबर है? टी सी के. तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो है. इज दैट क्लियर? ये हमारी, ये जो हो गई ब्रेक इवन क्वांटिटी और ये जो हो गई ब्रेक इवन क्वांटिटी और ब्रेक इवन कॉस्ट इन रेवेन्यू. ठीक है, इतने मतलब इतने यूनिट्स पे हमारी जो कॉस्ट और रेवेन्यू है दोनों बराबर हैं. ठीक है, तो इससे अगर हम इस पॉइंट तक तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा. अगर इससे ज़्यादा हम कंटिन्यू रखते हैं प्रोडक्शन करना तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा. इज दैट क्लियर? इधर हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा. अगर हम इस लेवल से कम करते हैं प्रोडक्शन या सेल कम करते हैं तो हम क्या होगा? हमें लॉस होगा, क्योंकि ले हम अपनी कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहे हैं. If you have any doubts, so please write in comment section. I will definitely answer it. And if you like my videos, so please like, share and subscribe my channel. Thank you.